राधे कृष्ण राधे राधे। भक्तों या कृष्ण भक्त, आप लोगों को बहुत राधे राधे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पशुपति व्रत जो रखते हैं उन लोगों को क्या क्या सामग्री लगती है और किस तरह से अपनी पूजन की थाली आप सजा सकते हैं। मैं पशुपति व्रत रख रही हूँ। आज मेरा पशुपति का तीसरा व्रत है। सुबह मैंने शिव मंदिर में जाकर पूजा और भगवान का अभिषेक किया, पूजन की नॉर्मल। उसके बाद मैंने जब पूजा करके वापस आई मंदिर से, तो मैंने अपनी थाली को जैसी थी वैसे ही रख लेना है। उसमें कुछ भी अलग से कोई भी सामग्री, अक्षत, कुमकुम, अक्षत और जैसे रोली हो गया, चंदन हो गया, ये सब चीज़ें जो थाली में बची हुई हैं उतना ही रखना है। अलग से इस थाली में कोई भी चीज़ नहीं जुड़ती है। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ विधिवत कि जब सुबह मैं पशुपति की पूजा करने के लिए मंदिर गई, तो मैंने अक्षत, चंदन, बेलपत्र, धूप, काली तिल और एक दिया, पुष्प, इत्र, घी और पानी और पंचामृत लेकर मैंने अभिषेक किया था। और घर में लाकर मैंने अपनी थाली वैसे ही रख दी। इस थाली में से ना तो कुछ उठाना है ना ही इसमें कुछ अन्य चीज़ मिलाना है। जो जितना बचा रहेगा, अक्षत हो या पुष्प हो, उतना ही शाम में भी चढ़ेगा। पशुपति के उपवास में शाम के टाइम में जो थाली आप लाकर घर पर रखेंगे, उसी थाली में इस तरह से आटे के दिए यथाशक्ति, अगर आपकी शक्ति है कि आप मिट्टी का दिया रख सकते हैं तो आप मिट्टी का दिया भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा आटे का दिया रखने की है तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं। पशुपति व्रत में अगर आप अकेले पशुपति का व्रत कर रहे हैं तो आपको टोटल 6 दिए रखने होंगे घी के। इस तरह से 6 दिए घी के रखने होंगे अपनी थाली में, उसी थाली में जिससे आप सुबह पूजन कर कर आए हैं, उसी थाली में आपने इस तरह से 6 दिए रखने हैं। और एक दिया थोड़ा सा साइड में रखें, और जब आप मंदिर ले जाते हैं तो मंदिर ले जाने के बाद में 5 दिए 6 दिए 6 दियों को भगवान के सामने रखें, लेकिन एक दिया ना जलाएं, 5 दिया ही जलाएं। मैंने 3 थाली सजाई हैं। 3 थाली मैंने इसे सजाया है क्योंकि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी जो 5 साल की है और मैं, हम तीनों ने पशुपति व्रत रखे हैं, इसलिए हम लोग 3 थाली सजाए हैं अपने। देखिए, मैंने अपने थाली में 3 दिए एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि नंदी महाराज, पीपल और बेल के वृक्ष को भी दिया मैं जलाती हूँ, इसलिए मैंने रखा है। और जल भी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो जल है भगवान का, वो जो आप ले सुबह जो आप पूजन करने के लिए मंदिर में जल लेकर गए हैं, वही जल से शाम को भी अभिषेक होगा, आप दूसरा जल नहीं लेंगे। मैंने अपने इस डिब्बे में जल रखा हुआ है सुबह का, इसी को लेकर मैं जाऊँगी वापस अभी। और ये है मेरी पुष्प और बेलपत्र। देखिए, पुष्प और बेलपत्र हैं, इसी से मैं पूजा करूँगी। इसमें मैं थोड़ा चीम भी गए हैं फूल, क्योंकि मैं इसमें दूसरी चीज़ें नहीं मिला सकती हूँ। सुबह जो पूजन की सामग्री थी वही पूजन की सामग्री अभी भी होगी। पूजन की सामग्री में देखिए, इत्र है, कपूर है, घी है, ये दीपक हैं जो मैंने आटे के बनाए हैं। मैंने मिट्टी का दिया कभी भी नहीं लगाया है, मैंने हमेशा से आटे का ही दिया जलाया है जब से मैंने पशुपति व्रत शुरू किया है। आज मेरा तीसरा पशुपति व्रत है। ये तो हो गई शाम की इतनी तैयारी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, स्पेशली पशुपति की शाम की पूजा ही मेन होती है। शाम की पूजा में ही दिए लगाए जाते हैं और इस तरह से प्रसाद बनाया जाता है। अगर आप अकेले, ये मैंने सूजी का प्रसाद बनाया है, इसके मैंने सूजी का प्रसाद बनाया हुआ है। हम 3 लोग पशुपति व्रत रख रहे हैं, इसलिए मैंने 3 के हिसाब से 9 प्लेट बनाई है प्रसाद की। क्योंकि अगर आप अकेले पशुपति व्रत रख रहे हैं तो उसमें आपको प्रसाद के 3 भाग रखने होंगे। एक पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए, अगर एक इंसान व्रत रख रहा है पशुपति का, तो वो 3 भाग प्रसाद के बनाएगा, और तीनों भाग वो ले जाकर
भगवान के पास रखेगा, जिसमें से एक भाग वो जब मंदिर से वापस लौटने लगेगा तो एक दिया, छः दिया बनाए हैं, छः में से एक दिया वो वापस रखेगा अपनी थाली में और पांच दिए वहाँ जलाएंगे। उसी तरह प्रसाद में से दो भाग वहीं छोड़ेंगे और एक भाग वापस अपने थाली में लेकर घर वापस आएंगे। मैंने यहाँ पर 9 भाग बनाए हैं, 9 प्लेट्स हैं मेरी इसमें, क्योंकि हम लोग 3 लोग कर रहे हैं उस हिसाब से 9 प्लेट होंगी, जिसमें से हमारे यहाँ 3 प्लेट वापस आएंगे। ये प्रसाद है पशुपति पूजन का शाम की, और मैंने ये केले का भी रखा हुआ है, क्योंकि जो दिए होते हैं, जो हम दिए बनाए हैं, दिए हम नीचे नहीं रख सकते हैं, मेरे काफ़ी दिए हैं, इसलिए मैं एक केले के पत्ते का इस्तेमाल करूँगी, इसमें मैं अपने सारे दिए सजा कर रखूँगी। ये था दोस्तों शाम को पशुपति की पूजन की तैयारी। अब मैं आपको आगे का जो मैं मंदिर में करूँगी उसको मैं मंदिर पहुँचने के बाद में आपको उसका वीडियो बना के आपको डालूँगी। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। राधे राधे, राधे कृष्ण।